ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल लघु सचिवालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी गण मौजूद रहे। संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा दी। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में केंद्र सरकार की परियोजनाओं और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत किए जाने वाले सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करें। देखिए, नियमित बैठक 3 महीने में होती है, दिशा की मीटिंग। हर योजना की यहाँ समीक्षा होती है और जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी क्या प्रगति हुई है, कहाँ कहाँ उसमें दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उन सब की समीक्षा इस तरह की बैठकों में होती है और उन सब का कोई ना कोई समाधान निकाला जाता है। तो इस मीटिंगों का मकसद ही ये है। इसमें बिजली से संबंधित भी एक मीटिंग है, पावर से संबंधित, रोड सेफ्टी से भी है और दिशा की मीटिंग भी है। तो तीनों कमेटियों की मीटिंग हम हर 3 महीने में करते हैं और सब योजनाओं की समीक्षा हम करते हैं और उनमें तेजी लाने का प्रयास निरंतर जारी रहता है। उन सब के बारे में चर्चा हुई है। अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य चल रहा है, बहुत से लोग यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, उनके बदले में टीचर्स आने हैं। अभी बैठे बैठे मेरे डायरेक्टर अंसर सिंह से भी बातचीत हुई है कि पे का अंतर है नूह में और हथीन में, तो उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव कर लिया है कि जो स्केल 10,000 रुपये वहाँ टीचर को ज़्यादा मिलते हैं नूह में, हथीन में कम मिलते हैं, तो उसको भी हथीन को भी उसमें जोड़ने का प्रस्ताव चला गया है और बहुत जल्दी वो मंजूर हो जाएगा। और जिन स्कूलों में भी टीचर नहीं है वहाँ भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र ऑर्डर हो रहे हैं उन सब।